Hello friends, myself Nitin Kumar welcomes to you to our channel Mission Tayari. Here we are going to learn about what we have to do for paper 1 and how paper 1 is important for us and how we have to perform it in within a short span of time. Jaisa ki hamare paas bahut thoda time hai to hame UGC NET paper 1 ko dekhna hai. UGC NET paper 1 hamare liye jise hum general paper on teaching and research aptitude bhi kehte hain bahut important hai. जैसे कि हम जानते हैं कि UGC NET का एप्लीकेशंस 9 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था एंड नाउ वी हैव आवर एडमिट कार्ड्स इन आवर हैंड्स. सो नाउ वी हैव वेरी शॉर्ट वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम और हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स दिसंबर एंड आवर डेट ऑफ अनाउंसिंग रिजल्ट इज 31st December. दैट इज टेंटेटिव. ये ऊपर नीचे भी हो सकता है बट यू हैव टू प्रिपेयर. So what are the quintessential instructions for paper 1? As I told you that paper 1 is the key for JRF. आप सभी को ये ध्यान रखना कि paper 1 हमारे लिए सबसे important है because paper 1 ही है जिसकी वजह से हम JRF को achieve कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग जानते होंगे most of the people are able to crack NET but they are too far from JRF क्योंकि जो paper 1 है they are lacking in it. वो वहाँ स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और पेपर वन हमारा टोटल मार्क्स का 33% कॉम्प्राइज करता है. इट हैज़ 50 क्वेश्चंस टू मार्क्स ईच और ये टोटल 100 मार्क्स का है और हमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 1 आवर का है. तो हमें इसको ध्यान रखना है कि वी हैव टू अटैम्प्ट 50 क्वेश्चन विद इन 1 आवर डेट इज़ 60 मिनट्स. तो इसके लिए हमें हमारे पास पूरा सिलेबस होना चाहिए. हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 1 आवर है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें और हमें उसमें केवल सॉल्व ही नहीं करना है. वी हैव टू रिवाइज डेट व्हाट वी हैव मिस्ड व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड ऑल दैट. हमें एक उसका पूरा एनालिसिस भी लेना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट होता है दैट हाउ वी हैव टू स्टार्ट हाउ वी हैव टू इनिशिएट. सो आई मस्ट से व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वी मस्ट हैव सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट एंड देयर आर थ्री बुक्स विच वी विल रेफर फॉर पेपर 1. फर्स्ट इज CBSE UGC NET टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर बैक बाई KVS मदान. दिस इज द मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक गिवन बाई पियर्सन्स. इट इज़ पब्लिश बाई पियर्सन एंड दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड बुक बाई स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें 10 यूनिट्स को अच्छे से एलिब्रेट किया गया है. यूनिट्स के बाद क्वेश्चन आंसर्स है देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन इट एंड देर आर सम एक्स्ट्रा बॉक्सेज इन इट वेर यू हैव बीन डिफाइंड रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. देन वी हैव UGC NET सेकेंड बुक डेट इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर बैक बाई आर्यंत एक्सपर्ट्स. जैसे कि हम जानते हैं डेट आर्यंत इज पब्लिशिंग इट्स ओन पब्लिकेशंस एंड ये अच्छा बुक्स पब्लिश करता है तो आर्यंत इज अ गुड ऑप्शन एंड द थर्ड वन इज बाई मैक्रू हिल्स ने भी अच्छा पब्लिकेशन दिया है बट आई मस्ट से डेट यू शुड गो फॉर KVS मदान बिकॉज दिस वन इज़ अ बेस्ट सेलिंग. और ये तीनों अपने आप में पेपर 1 के लिए एक मैग्नम ओपस है. मैग्नम ओपस इसलिए है क्योंकि ये इनमें से हम किसी भी एक को रेफर करते हैं तो हमें पता होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू व्हाट विल बी द क्वेश्चन पैटर्न एंड ऑल दैट. नाउ वी हैव जब हमें पता लग गया है कि हमें पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करना है तो हमें स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बिकॉज हमारे पास कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हम उसे स्टार्ट कैसे करेंगे. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास एक पहले तो हार्ड कॉपी में सिलेबस हो एंड वी शुड फैमिलियर आवरसेल्व्स विद दोज टर्म्स इन सिलेबस. हमें पता होना चाहिए कि कितना यूनिट्स है क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड ऑल दैट. और हमें उस सिलेबस को हमारे माइंड में होना चाहिए सो डैट वी विल बी एबल टू मेमोराइज इट लेटर. सो हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेटेजी है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए. हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी होना चाहिए जिसमें टाइम टेबल होगा और हम सभी क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे एक सीक्वेंस में होगा. देन वी हैव टू प्रैक्टिस आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट. व्हेन वी विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स देन वी नो डेट व्हाट वॉज द क्वेश्चन पैटर्न व्हाट वर द फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन दे वर आस्किंग वॉज डेट कंसेप्चुअल और वॉज डेट अ वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और वन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन ऑल दिस वी हैव टू रिमाइंड. देन हमारे पास एक हैबिट होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना है क्योंकि जो जो हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे उससे हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. तो इससे हमारे पास एक आइडिया होता है कि ये चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट हो सकती है. देन वी हैव टू प्रैक्टिस आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. वैन वी आर ऑलरेडी गोन थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वी नो डेट वट वर द फोकसिंग एरियाज वट वर द की एरियाज विच वी हैव टू फोकस. तो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट होना चाहिए
जिसमें दो जिसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट इज वन इज दैट थ्योरेटिकल पार्ट एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल पार्ट। तो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स में पूरा थ्योरेटिकल चीज़ आते हैं, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT एंड ऑल दैट। एंड इन आवर प्रैक्टिकल पार्ट वी हैव द स्टैटिक पोर्शन, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड द अदर वन इज कॉम्प्रीहेंशन। देन वी हैव टू फोकस ऑन आवर वीक एरियाज। आपको पता है कि जब हम लोग ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर चुके होंगे, हम मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, देन वी नो डैट वेयर वी आर लैकिंग, हमारा वीक एरिया क्या है, व्हाट इज़ आवर वीक पार्ट, हमारा बेसिक्स क्लियर है या नहीं क्लियर है, हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है। तो हमें अपने वीक एरियाज पे फोकस करना है, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है, उसमें हमें और कुछ थोड़े सोल्व करके अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला के उसे हमें आगे बढ़ना है। और इन सबको करने के बाद हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें टाइम मैनेजमेंट देखना है, कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है कि वी हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस विद इन 60 मिनट्स, और हमें उसे रिवाइज भी करना है, उसे हमें देखना भी है कि हमने क्या छोड़ दिया, क्या रह गया है, और हमें एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट लेके चलना। सो आई मस्ट से डैट जस्ट फर्स्ट डू वट इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपको पहले वो करना चाहिए, चाहे वो आपका स्टैटिक पार्ट हो या थ्योरेटिकल पार्ट हो। आई मस्ट से डेट जब आप सब कुछ कर चुके होंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जितना भी टर्मिनोलॉजी गिवन है सिलेबस में, जितना भी टर्म्स है, आप उसे गूगल कीजिए, बिकॉज इफ़ यू विल गूगल इट दैट इज़ एनफ फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 35 to 40 क्वेश्चंस, बिकॉज आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस में है, एंड देन यू विल बी एबल टू फैमिलियर योर सेल्फ विद दोज। और जब आप उससे फैमिलियर हो जाओगे देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग विल बी इंक्रीज। Then we have our key insights that what we have to focus. So I must say that आपको पता है कि आप UGC NET के लिए पेपर वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं when you will be able to crack that exam. तो आपको रोट लर्निंग अवॉइड करना है, बिकॉज when you will be असिस्टेंट प्रोफेसर या यू हैव टू फॉलो द टीचिंग एथिक्स एंड यू आर गोइंग टू बी एडुकेटर एंड द टास्क ऑफ एडुकेटर इज अ क्रिटिकल थिंकर। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग लाना है, आपको रोट लर्निंग को अवॉइड करना है। देन द नेक्स्ट फोकस एरिया इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या पैटर्न रहा है, क्या क्या उसमें डायनेमिक्स चेंजेस आए हैं, क्या क्या वर्सेटाइल वे में उसको पूछा जा रहा है। देन वी हैव टू प्रिडिक्ट आवर ओन क्वेश्चंस, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या नया कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या वो आइडिया ले सकते हैं, हमारे पास एक अपना इंट्यूशन होना चाहिए, एंड दैट इंट्यूशन विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू द क्विजेज, व्हेन वी विल सॉल्व न्यूमरस क्विजेज, सैम्पल क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पैटर्न हो सकता है एंड ऑल दैट। सो और उसके बाद हमें मेन चीज़ ये है जहाँ हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें अपना प्रैक्टिकल पार्ट है जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, मैथमेटिक्स है, उसमें हमें क्लैरिटी लाना है, बिकॉज दैट इज़ अ केक वॉक फॉर अस। इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कम जरूरत होता है, और इसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या जल्दी कर सकते हैं, आपका मैथमेटिक्स क्या है, आपका लॉजिकल रीजनिंग क्या है, और आप उसे वहीं पर सोल्व कर सकते हैं, आप इसके बारे में एक आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या पूछा जाने वाला है, तो यू हैव टू गेट रेडी। देन वी हैव आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स। फ्रेंड्स, आई हैव मैंशनड अ कॉम्पाइलेशन ऑफ ऑल द लिंक्स, वट एवर द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन UGC NET पेपर वन, दीज आर गिवन हियर, एंड दीज इंपॉर्टेंट लिंक्स विच वी आर राइट नाउ राउंड ऑफ दीज आर रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल। आपका जितने भी 10 यूनिट्स है उन सबका स्टडी मटेरियल ये है, और ये स्टडी मटेरियल का जितने भी लिंक्स है, स्टडी मटेरियल, क्विजेज, सबका लिंक है ये हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू प्लीज़ गो थ्रू दैट। आप उस पर जाइए, उसको कॉपी कीजिए, आप उसमें क्विजेज अटैम्प्ट कीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर दीजिए, आपको ये सब करना है। और आप जब इस स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो आपको पता लगेगा क्या क्या इन्होंने चीज़ें इंक्लूड किया है और क्या क्या मैंने मिस कर दिया। देन वी हैव वीडियो लेक्चर्स। आई मस्ट से दैट बिफोर गो थ्रू द बुक, जस्ट वॉच सम वीडियो लेक्चर्स गिवन बाय एग्जाम रेस एंड अन अकेडमी, क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो आपका जो क्लैरिटी है वो थ्रू फिगर्स, थ्रू डायग्राम्स, वो जल्दी क्लियर होता है। और जब आप उसके बाद एक सेकेंड रीडिंग बुक से लेंगे तो आपको पता लगेगा यस दीज आर द की एरियाज विच आई हैव टू फोकस। देन वी हैव टू, जब हम पूरा इसको सोल्व कर चुके होंगे, जब हमें पता होगा कि हम पढ़ चुके हैं, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वापस आएंगे, हम उनको एनालिसिस करेंगे, जिसे ग्रेडअप ने अच्छे से एनालिसिस किया है, और इसमें हमें मेन फोकस रखूँगा दिसंबर
और जून वाले एग्ज़ाम पे, क्योंकि जो दिसंबर 2018 और जून 2019 का एग्ज़ाम, उसमें पैटर्न चेंज हुआ है। एनटीए ने बहुत सारा पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस इंक्लूड किया है, तो हम इसको जब एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या नए नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देन वी हैव टू गो थ्रू द रिसेंट पेपर एनालिसिस। और मैं आई मस्ट से कि अगर आपका पेपर जैसे 4 तारीख को है, 5 तारीख को है, तो आप 2 और 3 तारीख का जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उसका वीडियोज देख सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल अपलोड सम वीडियोज हियर। और आपको रिसेंट पेपर एनालिसिस देखना है वो भी टॉपिक वाइज, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं टॉपिक्स में। देन वी हैव सैम्पल क्वेश्चंस, आपको सैम्पल क्वेश्चंस देखना है कि क्या क्या किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसको कितने तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, हम क्या क्या डायनेमिक्स लगा सकते हैं और हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देन वी हैव क्विजेज, जब हमें पता लग जाए कि यस वी आर डन विद आवर प्रिपरेशन, देन वी विल गो थ्रू ग्रेड अप। द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, और आप ये क्विजेज सोल्व कर सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी को एनालाइज कर पाएंगे डेट एट विच स्टेज यू आर, यू विल बी एबल टू रैंक यूर सेल्फ। और आपको पता होगा कि हाँ मेरा इतना प्रिपरेशंस है, ये की एरियाज है जहाँ मैंने फोकस किया है, मेरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी है या नहीं है, मेरा बेसिक्स क्लियर है या नहीं है। सो ऑल दिस वी हैव टू फॉलो। एंड फ्रेंड्स दैट्स ऑल, आई एम डन विद दिस, एंड आई मस्ट से यू प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल गो थ्रू दैट, तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या एक जो थोड़ा सा टाइम है मुझे एक अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करना है यूसी नेट पेपर 1 के लिए। एंड आई मस्ट से आप लोग रोट नर्निंग को अवॉइड करें और प्लीज़ फोकस ऑन की एरियाज। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल मिशन तैयारी, एंड स्टे ट्यून्ड।